हाय दोस्तों, कलाम एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। क्लास सेवेंथ के लिए एक्सरसाइज 6A से यहाँ से स्टार्ट होता है बीजगणित का पहला चैप्टर। बीजगणित जो कि आपके आगे के क्लासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जाँच कीजिए। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक्सरसाइज के हमने चार क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, पहला है, दूसरा, चौथा और पाँचवा। तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया जो कि पहले क्वेश्चन की तरह बहुत ही इजी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण के एक्स को हमें वैल्यू निकालनी होगी। जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम देखेंगे ये बराबर का साइन है। बराबर के साइन के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में हमको एक्स की वैल्यू वाला जो पद होगा उसको रखेंगे, बाकी सारे पदों को हम राइट साइड में लेके आएंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इक्वल का ये साइन लगाएंगे, ये 4 और ये 3x यहाँ पे लिख लिया। ये 5 माइनस का है, इसका जब पक्षांतर करेंगे माइनस का 5 जो बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4, 5, 9 ये जुड़ जाएगा 3x, और ये x बराबर 9/3। अब ये 3 बटे में कैसे आया, इसका सीधा मतलब ये है कि जो चीज़ पक्षांतर की जाती है अगर वो एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, अगर वो जोड़ में है, प्लस में है, तो वो माइनस में जाएगी, अगर वो माइनस में है तो प्लस में जाएगी, दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ गुणा में है और उसका पक्षांतर हो रहा है तो भाग में जाएगी, और अगर कोई चीज़ भाग में है उसका पक्षांतर करेंगे तो वो गुणा में जाएगी। सपोज दे रही है 3 जो है अपॉन में है, ये भाग में है, इसको अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमको इधर नहीं ले जाना क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर 9/9/3, तो एक्स बराबर यहाँ से 3 बन जाए 3, 3, 3 = 9, 3 से 9 को भाग कर दिया, एक्स का मान आ गया 3। सवाल में ये भी कहा गया है उत्तर की जांच कीजिए। अब हम समीकरण को नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच समीकरण नोट कर लेंगे, 3x - 5 = 4। जो x की वैल्यू हमने 3 निकाली है उसको x की जगह पर रख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। जब किसी अंक और किसी चर x चर के साथ कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 3 × x = 3 - 5 = 4, 3 की 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 9 - 5 = 4। अब 9 से 5 घटा दिए, ये हो गए 4 = 4। देखिए दोस्तों, दोनों पद के मान बराबर आ रहे हैं, LHS का मान RHS का मान दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा सवाल सही लग गया है। देखते हैं दूसरा सवाल कैसे लगाएंगे। यहाँ पर 5y + 2 = 3y + 8 दिया है। अब यहाँ पर दिया है दो जगह, यहाँ पर तो हमारे पास चर एक ही था, यहाँ पर दो जगह चर है, लेकिन है समान, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। हमको समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, वाई वाले जो पद हैं उनको एक तरफ करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5y और ये 3y है, ये बराबर के उधर जाएगा। और जैसे ही कोई पद पक्षांतर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी इसके साथ प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव का है, इसके साथ कोई निशान नहीं है तो पॉजिटिव है, बराबर के उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -3y = ये इधर वाला 8 लिख लिया, और ये 2 इधर लाएंगे, जब इस 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -2। 5y और 3y इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये आपस में घट जाएंगे, 5y - 3y हो जाएगा 2y = अब 8 में से 2 घट जाएंगे 6। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर x और 3 गुणे में थे, ऐसे यहाँ पर y और 2 गुणे में है, गुणे की कोई अंक जब बराबर के उधर जाएगी वो सीधे बटे में जाएगी, तो y = 6/2। अब 2 से 6 को भाग कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, y = 3। फिर हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में हमारा जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है, ये बराबर का निशान है, बराबर के इधर बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, जब बायां पक्ष दायां पक्ष की वैल्यू बराबर आएगी तो सवाल हमारा सही होगा। उत्तर की जांच, अब उत्तर की जांच करने के लिए हम जो ऊपर हमें समीकरण दिया गया था उसको हम नोट कर लेंगे, 5y + 2 = 3y + 8। अब y की वैल्यू 3 आई है तो जहां जहां y वहां उसकी वैल्यू रख देंगे, यह 5 × 3
प्लस दो बराबर तीन गुणे तीन प्लस आठ, यहाँ गुणा कर लेंगे, पाँच तिया पंद्रह प्लस दो, तीन तिया नौ प्लस आठ, पंद्रह और दो जोड़ देंगे सत्रह बराबर, नौ और आठ होता है सत्रह। ये देखिए दोस्तों फिर बराबर आ गया, ये हमारा सवाल सही लगा, इसलिए उत्तर की जांच बिल्कुल सही हो गई। अगला सवाल है सिक्स बाई माइनस नाइन बराबर टू बाई प्लस फिफ्टीन। अब यहां पर देखिए दो जगह अचर चर पद दिया गया है, अब यहां पर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, सेम इसी तरह से लगाएंगे, y वाला पद पहले लिखेंगे फिर ये y वाला पद उधर ले जाएंगे, और जो बिना y यानी जो अचर है जिसके साथ अक्षर लगा होता है वो चर पद होता है, और जो जिसके साथ कोई अक्षर नहीं लगा होता जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं। अब यहां पर चर पद एक साथ करेंगे और अचर पद एक साथ करेंगे, ये छह बाई और ये दो बाई बराबर के इधर करेंगे माइनस दो बाई, इसका पक्षांतर कर लिया बराबर, ये पंद्रह और ये माइनस के नौ है, ये बराबर के इधर इसका पक्षांतर करेंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस नौ, छह बाई और दो बाई के बीच में माइनस का निशान है, ये घट जाएंगे बचेंगे चार वाई बराबर पंद्रह और नौ इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा चौबीस। अब यहां पर फिर वाई और इस फोर के बीच में कोई साइन नहीं है तो आपस में ये गुणे में है, ये गुणे वाला कोई चिन्ह कोई संख्या जब बराबर के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ये वाई बराबर चौबीस बटा चार। अब चौबीस को चार से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर चौबीस, अब ये फिर चार इधर इसके भाग में जाएगा, वाई बराबर चौबीस बटा चार, चार एकम चार, चार छंगे चौबीस, ये आ जाएगा वाई बराबर छः। एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, जो बटे में एक है उसको नहीं लिखा जाता है, बटे का मतलब होता है संख्या भाग में है, और अगर हम एक को तीन से भाग करें तो तीन ही आएगा, यहाँ पर भी अगर हम तीन को एक से भाग करें तो ही तीन आएगा, और यहाँ पर अगर हम छः बटे एक लिखें और फिर छः को एक से भाग करें फिर छः आएगा, इसलिए बटे में एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच ऊपर दिया हुआ समीकरण नोट कर लेंगे, छः बाई माइनस नौ बराबर दो वाई प्लस पंद्रह, वाई की वैल्यू है छः, छः गुणे छः माइनस नौ बराबर दो गुणे नौ प्लस पंद्रह। अब यहाँ पर फिर उसी की तरह हम गुणा करेंगे, छः गुणे छः, छः छंगे छत्तीस माइनस नौ बराबर दो ने में अठारह प्लस पंद्रह, छत्तीस में से नौ घटाएंगे, छत्तीस में से नौ घटाएंगे तो ये बचेंगे सत्ताईस, और पंद्रह और अठारह को जो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तैतीस, जो कि सवाल हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया, सिक्स बाई माइनस टू बाई पंद्रह माइनस नौ चौबीस, चार चार छंगे चौबीस, छः छः छंगे छत्तीस, यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पर आएगा छः, दो गुणे छः, ये वाई है और वाई की जगह पर रखेंगे हम छः, दो छंगे बारह, बारह और बारह पंद्रह को जो हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सत्ताईस। देखिए एक अंक की जरा सी मिस्टेक में पूरा सवाल गड़बड़ हो सकता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से आप लोग लगाएंगे, ये सवाल लग गया। नेक्स्ट देखेंगे, अठारह माइनस पांच वाई बराबर तीन वाई माइनस छः। अब यहां पर देखिए अठारह वाई पहले नहीं लिखेंगे, हमको जिस पद का मान निकालना है यानी कि वाई का मान निकालना है तो हम उसको बाएं पक्ष में रखेंगे, इस साइड में माइनस फाइव वाई और ये थ्री वाई इधर आ जाएगा माइनस थ्री वाई बराबर ये माइनस का छः, और ये अठारह उधर जाएंगे, ये प्लस के हैं, यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ये माइनस का अठारह हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के, देखो पांच वाई भी माइनस का तीन वाई भी माइनस का, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब किसी समान पदों की यानी जिनको सजातीय पद कहते हैं, सजातीय पदों के अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ जाएंगे, और अगर सजातीय पदों के चिन्ह अलग अलग हैं यानी एक प्लस का है एक माइनस का है तो वो घटेंगे, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का आठ वाई बराबर, और यहाँ पर भी ये भी माइनस का ये भी माइनस का है तो इनको भी जोड़ देंगे,
और 6 हो जाएंगे 24 माइनस का 24। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 6 रुपए का कर्जा है, माइनस, माइनस को हिंदी में कहते हैं ऋण और ऋण को कर्जा भी कहते हैं। तो माइनस का अगर आपके ऊपर 6 रुपए का कर्जा है और आपने 18 रुपए का कर्जा और ले लिया तो ये हो गया आपके ऊपर 24 रुपए का कर्जा। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो चिन्ह, दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं सेम, चाहे प्लस प्लस के हों और चाहे माइनस माइनस के हों, तो वो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये 18 माइनस का और माइनस का 6, ये हो जाएंगे माइनस के 24। वाई बराबर माइनस का 24 बटा माइनस का 8। अब यहां पर ये नियम होता है कि अगर भाग में दो चिन्ह एक जैसे हैं तो दोनों चिन्ह कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, वाई बराबर 3, वाई बराबर 3 आ गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए हम अपना ऊपर वाला दिया हुआ समीकरण नोट करेंगे। 18y माइनस, सॉरी 18 केवल 18 है, माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। जहां जहां y है वहां हम 3 रखेंगे। 18 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 3 गुणा y की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 6। ये 18 माइनस 5 की 3 से गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 बराबर 3 तिहाई 9 माइनस 6। 18 में से 15 घटा देंगे, भाई देखिए यहाँ पे 18 का चिन्ह प्लस है और यहाँ 15 का चिन्ह माइनस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे। तो 18 में से जब 15 घट जाएंगे बचेगा 3 बराबर 9 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस, तो जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये जाएंगे घट, जब इनको घट जाएंगे तो बचेगा 3। ये आपका बाया पक्ष और ये दाया पक्ष बराबर आ गया तो हमारा समीकरण हल हो गया और वाई का मान 3 सही है। सारे सवालों को अच्छे से देख लीजिए और अगर समझ में आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई सवाल आपकी दिमाग से मिस हो रहा है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार देखिएगा, आपको सवाल समझ में आएंगे। नहीं आते हैं तो इसकी हम दूसरी वीडियो फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे नई तरीके से और अगले सवाल फिर नई विधि से लगाने के लगाकर आपको भेजेंगे। ओके।